उत्तर प्रदेश के महोबा में जिस व्यापारी ने अपना वीडियो वायरल कर SP पर गंभीर आरोप लगाए थे, उस व्यापारी की मौत हो गई है। व्यापारी का वीडियो वायरल करने के 2 दिन बाद उसे गोली मार दी गई थी। गोली उनकी गर्दन में लगी और उन्हें इलाज के लिए कानपुर में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने 5 सितंबर को अपना एक वीडियो वायरल कर महोबा के SP मणिलाल पाटीदार पर आरोप लगाया था कि उनके दबाव में वो उन्हें 6 लाख रुपए महीना घूस दे रहे थे, लेकिन काम मंदा होने की वजह से उन्होंने SP से हर महीने 6 लाख रुपए देने में मजबूरी जताई तो उन्होंने उसे जान से मरवाने की धमकी दी। इंद्रकांत त्रिपाठी की भतीजी ने भी एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वो भी SP मणिलाल पाटीदार पर गंभीर आरोप लगा रही है। नमस्कार, मेरा नाम शिप्रा पांडे है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप हमारी मदद करें। हमारा पूरा परिवार आज संकट में है। मेरे चाचा इंद्रकांत त्रिपाठी, जो कबरई के लाइसेंसी विस्फोटक और क्रेशर के व्यवसायी हैं, 8 तारीख को SP महोबा मणिलाल पाटीदार द्वारा उन्हें गोली मरवाई गई। मेरे चाचा को उनकी हत्या की SP द्वारा आशंका पहले से ही थी, क्योंकि SP मणिलाल पाटीदार ने उन्हें बुलाया था और उनसे कहा था कि तुम मुझे हर महीने 6 लाख रुपए दे, अगर तू नहीं देगा तो मैं तेरे परिवार और तुझ पे इतने फर्जी आरोप लगा दूंगा सट्टेबाजी के और अवैध विस्फोटक के कि तू चाह कर भी कभी भी जेल से वापस नहीं आ पाएगा। चाचा ने कहा कि मेरा धंधा ठप पड़ा है सर, मैं आपको हर महीने 6 लाख रुपए नहीं दे सकता हूँ। इस पर उन्होंने खूब गाली गलौज किया और ये कहा कि अगर तूने इसके बारे में किसी को भी बताया, किसी भी मंत्री का फोन करवाया, किसी को भी मेरे खिलाफ कंप्लेन की, तो मैं तेरी हत्या करवा दूंगा। चाचा देने में असमर्थ थे, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरे सबूत पत्रकारों को देंगे और साथ ही साथ उन्होंने लिखित रूप में सबूतों के साथ शिकायत योगी आदित्यनाथ जी को की थी। इसकी भनक SP को लग गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से ही पहले 8 तारीख को उन्हें यहां पर उसने गोली मरवा दी। और आज मेरे चाचा की हालत इतनी गंभीर है, वो कानपुर के रिजेंसी हॉस्पिटल में एडमिट है और आज उनकी हालत इतनी गंभीर है कि पूरा परिवार सकते में है और हम सभी को डर है कि हमारे पूरे परिवार पे कोई संकट ना आए, क्योंकि चाचा को अगर कुछ भी हो गया वो कुछ बोल नहीं पाएंगे और वो हमारे परिवार को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप हमारी मदद करें। मेरे चाचा के बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी रक्षा कीजिए। योगी आदित्यनाथ जी, आपने SP महोबा को सस्पेंड तो कर दिया है, पर हम पे जो संकट आया है उसको दूर कीजिए। मेरे चाचा को इंसाफ दिलाइए। हमारे पे जो खतरा मंडरा रहा है सर, हमारी रक्षा कीजिए। मेरी आप सभी से प्रार्थना है, मीडिया कर्मियों से, बड़े अधिकारियों से, योगी आदित्यनाथ जी से, कि हमारी मदद कीजिए। मेरे चाचा के प्राण संकट में है, उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें पूरे परिवार को जान और माल का खतरा है। हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।